नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मार्च का महीना मेष राशि के जातक के साथ कैसा जाने वाला है और फरवरी के महीने के बारे में बात करेंगे। बने रहिएगा, क्योंकि जो बताता हूँ वो होकर ही आता ही रहता है। तो ये मेष लग्न और मेष राशि के जातक के लिए ये वीडियो है। और सबसे पहले मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, जो बता रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि जितने भी मेष राशि मेष लग्न के जातक सबके साथ वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं है, इम्पॉसिबल है। वो डिपेंड करता कि आपके खुद के कुंडली में बाकी ग्रह कैसे बैठे, उस पर भी बात करेंगे। तो मेष लग्न और मेष राशि के लिए ये वीडियो है। अब मार्च के महीने में चार ग्रह गोचर परिवर्तन करेंगे। पहला है बुध परिवर्तन, फिर दूसरा है शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर मंगल का। तो चलिए देखते हैं। मीन राशि में बुध परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आएंगे 7 तारीख को, और फिर 14 तारीख को सूर्य इसी में आ रहे हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ पर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं, ये बात मत भूलिएगा, राहु वहां पहले से ही बैठे हैं। बुध आ रहे हैं 7 तारीख को, सूर्य आ रहे हैं 14 तारीख को, 14 मार्च को। अब देखिए, जो बुध का परिवर्तन है वो कैसा परिणाम देगा। देखिए, बुध राहु के साथ आ गया है, और बुध राहु के साथ आ गया तो समझ गए होंगे कि बहुत अच्छा परिणाम को उम्मीद आप नहीं कर सकते। और बुध को अगर पहले देखा जाए, पहले की स्थिति में बुध बहुत अच्छे नहीं थे, 2-3 ग्रहों से घिरे हुए थे। अगर मार्च की फरवरी की ही बात कर ले, तो बुध कई कई जा कई सारे ग्रहों से घिरे थे, जिस वजह से वो बुध जो है तीसरे घर को और कहीं ना कहीं छठे घर को इफेक्ट किए होंगे। तो ये आप लगातार देखते हुए आ रहे होंगे। लगभग अगर मैं बात करूँ तो फरवरी के महीने में भी छठे घर को दिक्कत हुआ था। तो निश्चित तौर से मेष राशि वाले, आप लाइफ में उलझन से तो घिरे थे, चाहे वो फरवरी के महीने में हो चाहे जनवरी के महीने में हो, आप निश्चित तौर से 110% आप उलझन से तो जरूर घिरे थे, चाहे किसी भी चीज का उलझन हो, लेकिन उलझन तो आपके लाइफ में जरूर रहा होगा, फरवरी में भी जनवरी में भी। इस बात को लेकर आप कमेंट करिएगा, ठीक है, उलझन जरूर रहा होगा। अब वही बुध जो है राहु के साथ आ गए, अब तो बहुत बुरी स्थिति में राहु आ गए, राहु के साथ आ गए तो छठा घर उलझन का रहता है, तो उलझन से तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, उलझन से बाहर आप नहीं निकलोगे। अब ये आप देखोगे 7 तारीख को, 7 तारीख के बाद से निश्चित तौर से आपका दिया गया पैसा वापस नहीं आएगा, इसलिए आप हो सकता है कि पैसा देकर भी फंस गए हो या ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो गए, धोखे अगर बोलू धोखे जैसे स्थिति में आप फंसे हुए हो, आगे 7 तारीख के बाद भी वो स्थिति बनी रहेगी। पैसा किसी को देना नहीं, फ्रॉड से बिल्कुल बच कर रहना, किसी के बातों में आपको आना है नहीं, रिस्क वाला कोई भी काम नहीं करना है, जुआ सट्टा स्टॉक मार्केट जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान जरूर होकर रहेगा। ये बात बिल्कुल कन्फर्मेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सूर्य भी आ रहे हैं, तो सूर्य के आने की वजह से क्या होगा, सूर्य भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता ना कि 14 मार्च के बाद से, पहले सूर्य भी रहे थे, अगर पहले का देख लिया जाए फरवरी को सूर्य शनि के साथ रहे थे, तो वो चीजें आपके साथ बनी रहे होगी, करूं कि ना करूं, इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं, आपके सोच और आपके इनकम में एक पैरेलल जैसी स्थिति बनी हुई होगी फरवरी के महीने में। कमेंट करके बताना ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ना कर पा रहे हैं ना बस सोच रहे हैं, जिससे कि पैसा आपका आ सकता है लेकिन आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, ये करने से पैसा फायदा हो सकता है ये करने से, लेकिन आप डिसीजन ही नहीं ले पाए फरवरी के महीने में सूर्य की वजह से, ये भी आप कमेंट करके
बताना, ठीक है? तो अब मार्च में क्या होगा, मार्च में वही स्थिति फिर गड़बड़ा रही है, और मार्च में पंचम घर राहु के साथ आ रहे हैं, मतलब मार्च के महीने में खास तौर से 14 मार्च के बाद आप गलत फैसला, गलत डिसीजन लेने जा रहे हो। और मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, या अभी से ही मार्च, अभी मतलब मार्च में आपका ये, या अभी से ही कुछ ऐसे कंडीशन बन जाएंगे कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े जो गलत साबित हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 14 मार्च के बाद कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो उलझ जाओगे आप। ये दो ग्रहों का हो गया। अब कुंभ में शुक्र आ रहे हैं, मतलब क्या है, कुंभ में शुक्र, मतलब यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे, ठीक है, 7 तारीख को। फिर मंगल भी आ रहे हैं, और यहाँ शनि पहले से विराजमान है, शुक्र मंगल का तो चल ही रहा है साथ में, और शुक्र मंगल फरवरी के महीने में इसी घर में थे, तो मंगल हमेशा शुक्र को इफेक्ट किए थे। तो आप देखे भी होंगे कि फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं, जनवरी की बात कर ले या फरवरी की बात कर ले, तो पैसा आपका बच नहीं रहा होगा, पैसा आपके बहुत फालतू खर्चे हो रहे होंगे, इस बात को आपने गौर किया होगा, पैसे से संबंधित चीज़ें बहुत पक्ष में नहीं आए होंगे, पैसा आपका फालतू का ही खर्चा हो रहा होगा, पैसा आपका मतलब कि बचा ही नहीं पा रहे होंगे, सेव नहीं कर पा रहे होंगे, चलो पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा खर्च हो जा रहा होगा, ये देखा होगा आपने शुक्र मंगल के कारण से। और मैरिज लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में दिक्कत तो रहा ही होगा, चल ही रहा होगा। तो मार्च के महीने में जैसे स्थिति बदलेगी, मंगल और शुक्र साथ में जैसे मार्च में आएंगे, फिर से वही स्थिति है, और अब तो शनि के साथ आ गया है, तो अब क्या होगा, अब खेल उल्टा होगा। अब अभी तक मंगल शुक्र को दबा रहे थे, अब शुक्र शनि के साथ आके मंगल को दबाएंगे, तो मंगल को दबाएंगे तो मंगल अष्टम घर को लेके और लगन को लेके, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मार्च के महीने में खास तौर से 15 मार्च के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 15 मार्च का समय है आपके लाइफ में ना अचानक कुछ बहुत बड़ा हलचल लाने वाला है। जो अष्टम घर के स्वामी है, किसी के द्वारा बहुत परेशान हो सकते हैं अचानक लाइफ में गड़बड़ आएंगी, आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करोगे, आप कुछ करना चाहोगे पर कर ही नहीं पाओगे, तो लगन को इफेक्ट मंगल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये होगा, कुछ करना चाहोगे आप 15 मार्च के बाद से, लेकिन वो काम आपका हो नहीं पाएगा, एक महीना करीब करीब मार्च के महीने में कुछ आपके द्वारा कुछ भी आप करना चाहोगे हो नहीं पाएगा, ये बात याद रखना है, ऐसे कुछ तरह की योग बनना है। अब बाकी आपके कुंडली में कहाँ पे मंगल बैठे हैं, कहाँ पे बुध बैठे हैं, कहाँ पे सूर्य बैठे हैं, वो कुंडली पे डिपेंड करता है, तो आप कुंडली दिखवा सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना है कुछ चार्जेज है कुछ दक्षिणा पे करके आप कुंडली भी दिखवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सब्सक्राइब कर, जय हिंद जय भारत।